देसी किचन में आप सभी का स्वागत है। देखिए आज पालक के पकौड़ी बनाए हैं, जिससे देखिए कितने कुरकुरे बने हुए हैं। इसी तरीके से आपको भी बनाना है तो चलिए बनाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें कुकिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। चाहिए हमको पालक के पत्ते, कुछ फ्रेश हमने धो के रख लिए। देखिए इस तरीके से रख लेंगे एक तरफ। आधा बाउल लेंगे बेसन, हमने अदरक, हरी मिर्चा, लहसुन, नमक का पेस्ट बना लिया है, जो कि हम इस पकौड़ी को इसी से बनाएंगे। तो पालक को हम काटेंगे नहीं, इसी तरीके से इसको डिप करके बनाएंगे। आइए चलिए बनाते हैं। देते हैं जिसमें कि हम बेसन डाल देते हैं, इसमें नमक भी पड़ा हुआ है इसलिए हम नमक नहीं डालेंगे अलग से पेस्ट में। पानी थोड़ा सा डालेंगे, ये बाल पर थोड़ा थोड़ा करके। इसका घोल बना लेंगे अच्छे से। बहुत ही स्वादिष्ट इसका पकौड़ी बनता है। पालक को काट के तो आपने बनाया भी होगा, लेकिन इस तरीके से बनाइए जो कि खाने में बहुत अच्छा लगता है। कढ़ाई हम गैस के ऊपर रखें, अब ये रिफाइन इस पे डाल देते हैं। थोड़ा हम चेक कर लेंगे कि तेल हो गया कि नहीं। तेल हो गया है, आप देखते हैं उसको इस तरीके से ठीक करके। पलट लेंगे धीरे धीरे। दोनों तरफ से ये पका लेंगे, हल्का लाल हो जाएगा इसको निकाल लेंगे। इसी तरीके से सब हम पकौड़ियाँ बना लेंगे। Thank you.
बनने वाला नाश्ता चाय के साथ खाइए। कोई आ गया तो झटपट, ज़्यादा इसमें राग भी नहीं करना है, बस घोल बनाया पेस्ट अदरक लहसुन मिर्चा का, नमक डाल दिया उसमें, वो चटनी भी आपका काम कर देगा। नहीं चटनी कोई है तो उसका चटनी भी आप बना सकती हैं। अब बहुत टेस्टी, इसमें और कुछ हमने डाला नहीं। इसी तरीके से सारे पकौड़े हम निकाल लेंगे। देखिए पालक की पकौड़ी बन गई मेरी, देखिए कितना अच्छा रसा बना है। ये देखिए कुरकुरी भी खूब बनी है, आपको मैं दिखाऊं, देखिए कोई भी उठा के मैं दिखा दूँगा। नीचे और खाने में भी उतनी टेस्टी, इसमें ना मैंने चावल का पिसा चावल डाला है ना कुछ भी डाला है कि कड़ापन हो, खाली बस आपके सामने जो लहसुन मिर्चा पीस के डाले हैं बस उसी से पकौड़ी ये बना है और बहुत ही टेस्टी। बस आप सॉस के साथ खाइए, चाय के साथ मज़े कीजिए, अपने भी खाइए सबको खिलाइए। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।